हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहिंदर, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने टेक एंड क्रिकेट के चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने थंबनेल को अपनी यूट्यूब वीडियोस पर कैसे अपलोड कर सकते हैं, उनको अपने वीडियोस पर कैसे लगा सकते हैं। तो अगर आपने हमारी थंबनेल बनाने वाली वीडियो नहीं देखा तो मैं उसको आई बटन पर लिंक करूंगा। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप उसको आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम दो ट्रिक बताएंगे आपको। एक ट्रिक होगी जो आप ऐप से कर सकते हैं, थोड़ी आसान पड़ेगी आपको, और दूसरी आप क्रोम से करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऐप से करके दिखाता हूं। तो अपने आप पहले नेट खोल लीजिए और प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको ऊपर सर्च करना है यूट्यूब स्टूडियो तेरा। अब सबसे पहले आपको ये दिख जाएगा 4.3 की रेटिंग है इसकी, 10 मिलियन डाउनलोड्स हैं। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, 11 MB की ऐप है। तो अब इसको बैक करते हैं, अपनी ऐप में जाते हैं। तो मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो ये रही हमारी यूट्यूब स्टूडियो। तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा और आपके नीचे जो भी आपने अपलोड की है वीडियो वो आपके सामने आ जाएंगी। तो आपने जो वीडियो अपलोड कर दी है उस पर क्लिक कीजिए, जो उनसे भी आपको अपना थंबनेल लगाना है। तो आप थंबनेल बना के रखिए अपना, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए अपनी वीडियो पे। तो अभी ऐसा आपको कुछ इंटरफेस दिखेगा। आप सबसे ऊपर देखिए, एक तो यूट्यूब का निशान आ रहा है, एक शेयर का निशान आ रहा है और एक पेंसिल का निशान आ रहा है। तो पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एडिट वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल आप एडिट कर सकते हैं अपने, डिस्क्रिप्शन और या प्राइवेसी टैग्स। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके जो यूट्यूब का थंबनेल जो पहले से लगा हुआ है, अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे एडिट थंबनेल पे क्लिक कीजिए। और यहाँ से तीन थंबनेल आप यूट्यूब अपने पास से आपको देगा। अगर आपको सही लगता है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से सबसे पहले चेंज का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपकी गैलरी खुल जाएगी। आप जो सा भी थंबनेल अपना लगा सकते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए और अपने यूट्यूब वीडियो पे लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप अपने जो सा भी आपका एसडी कार्ड इंटरनल है उस पर क्लिक कीजिए। अब आपका ये इंटरनल, आपका जो सा भी फोल्डर है वहाँ से इसको सिलेक्ट कीजिए और अपना थंबनेल को सिलेक्ट करके उस पर लगा लीजिए। और यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए तो आपका थंबनेल लग जाएगा। यहाँ से ऊपर सेव कीजिए और आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। तो अब आप अपना दूसरा तरीका शुरू करते हैं। तो दूसरे तरीके में आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद रुकिए 2 मिनट, क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से नीचे आपको यूट्यूब दिख रहा है, यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक कीजिए। YouTube पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी YouTube खुल जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे ऊपर 3 डॉट्स का ऑप्शन दिख रहा है तो वहाँ पे क्लिक कीजिए। आपके सामने ऐसी सेटिंग खुल जाएगी। तो आपको नीचे दिख रहा है यहाँ पे रिक्वेस्ट, देखिए नीचे रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, तो इस पर राइट हो जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए तो आपकी ये स्क्रीन डेस्कटॉप साइट जैसी हो जाएगी। तो इसकी लोडिंग हम होने देते हैं। तो देखिए हमारी ये यूट्यूब हमारे डेस्कटॉप साइट पे जैसा खुल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, आपको देखिए कोने में आपका चैनल का आइकन हमें अपना दिख रहा है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, देखिए यहाँ से एक सेटिंग सी खुल गई है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक कीजिए, माई चैनल के नीचे क्रिएटर स्टूडियो, इस पर क्लिक कीजिए। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपकी जो भी अपनी वीडियो है आप उसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन आ रहा है आपकी वीडियो के नीचे, तो इस पर एडिट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको फिर से एडिट का ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ से आप अपना टाइटल चेंज कर सकते हैं, टैग, डिस्क्रिप्शन। तो अब मैंने तो इस पर अपना थंबनेल लगा रखा है। देखिए यहाँ से ये तीन तो अपने यूट्यूब ने हमें दिए थे और हमारा ये चौथा। आपको अगर आपने यहाँ से अपना थंबनेल नहीं लगाया होगा तो यहाँ पे आपको प्लस का आइकन भी शो हो रहा होगा, तो उस पर क्लिक कीजिए तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आप वहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको पहले से कर रखा है, देखिए। अब आगे यहाँ से अब आपको क्या करना है, यहाँ से डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है।
डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी सेटिंग आ जाएगी, तो आपको यहाँ से अपनी गैलरी चूज़ कर लेनी है। गैलरी चूज़ करने के बाद आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, तो आप उसको अपना जौन सा भी आपका थंबनेल जौन से भी फोल्डर में आप उसको वहाँ से क्लिक करके यहाँ से आ जाएगा आपका थंबनेल। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कीजिए। मेरे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करे, तो इसमें यहाँ पे सेव चेंजेस का ऑप्शन नहीं आ रहा। देखिए, अगर आपने अपना थंबनेल लगा लिया होगा तो यहाँ पे सेव चेंजेस का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उसको सेव करिए और आपका थंबनेल लग जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।